हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज का वीडियो ये है कि आज मैं फोटो झक्कास फोटो एडिटिंग करके दिखाने वाला हूं। तो आपको भी अगर ऐसा एडिटिंग करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नई नई वीडियो आने वाली रहती है तो इसलिए नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो ब्राइटनेस को थोड़ा 20 के पास रखते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे देख लीजिए, तो हम 16 रख देते हैं और इसको कॉन्टेक्स्ट को हम अभी 21 के आसपास रखेंगे हम। और उसके बाद देख लीजिए, फिर उसके बाद आता है सैचुरेशन। सैचुरेशन को हम देखते हैं तो बढ़ा के गजब लग रहा है। देखिए बैकग्राउंड चेंज हुआ था, तो सैचुरेशन को हम 53 कर दिए हैं। और उसके बाद और इसको देख लीजिए तो आप कैसे लग रहा है यहाँ पे, जिसमें हम बढ़ाते हैं तो 50 के आसपास रख देते हैं। हाईलाइट को हम थोड़ा सा कम कर देंगे 18 या 21 के आसपास रख देंगे। उसका शैडोज़ को कम कर देंगे 7 के आसपास। उसके बाद वार्म्थ को हम बढ़ा दिया। उसके बाद देखिए हमारे फोटो में क्या लुक आ गया है। उसके बाद हम फ्लैक्टी पर किए हैं। उसके बाद देखिए हल्का ब्राइटनेस बढ़ाने के बाद कैसा लग रहा है, थोड़ा फेस पे वाइटनेस आ रहा है। उसके बाद हम व्यूज एडिट पे जाएंगे, उसके बाद टून इमेज पे, उसके बाद हमारे फोटो का एडिट कर लेना है। उसके बाद वही इस पर टिपेंगे तो आपको पता पहले वाला फोटो आ जाएगा जो हम उसमें अथी किए हैं। उसके बाद जीरो करके एडिट कर लेना है। उसके बाद देखिए एडिट कर लिए, उसके बाद हो गया पैर में कर लिए एरेज, वीडियो को अच्छी कर लेना है। उसके बाद डन करके हमारा बैकग्राउंड जो है सिर्फ बैकग्राउंड अच्छी हुआ। कलर देखिए आप कैसा हो चुका है, लगता है सुबह का कुछ पिक्स सुबह में शूट किया गया है, पिक्स ऐसा लगेगा आपको भी। तो गाइस देख रहे हैं आप, खुद देख लेंगे वीडियो पूरा होने के बाद फोटो कैसा लग रहा है भाई। उसके बाद हम जाते हैं सिलेक्टिव में जाएंगे और उसके बाद फिर से उसको क्रॉप करके उसके बाद फेस पे देखिए क्या वाइटनेस आ रहा है यार, देख लो आप ही देख लो। थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं तो वाइटनेस बढ़ा दिए 30 के रख दिए। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा जीरो कर दिए, नहीं तो 20 या 14 के आसपास हम रख देते हैं। तो देख लीजिए आपका मन जितना पे रखना होगा। उसका सैचुरेशन को हम थोड़ा सा 8 पर रख दिए और उसका स्ट्रक्चर को हम 50 कर दिए। और आपका मन आप जितना बढ़ाएंगे आप खुद आप पर आगे करके पीछे करके आप देख सकते हैं कितना झकास हो जाता है फोटो के। तो उसके बाद हम जाएंगे ब्रश में जाएंगे। ब्रश में जाने के बाद ई वी एक्सपोजर को हम 2 नंबर वाला हाथी को करेंगे। उसके बाद 7 अथी का एरेज कर लेना है। उस पर फेस पे हमारा देखिए क्या वाइटनेस आ रहा है यार, आप खुद ही देख सकते हैं कितना खतरनाक लग रहा है मेरा फोटो। तो आप इस तरह से आप अपना भी फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। तो देख लीजिए क्या वाई क्या लग रहा है फोटो, क्या झकास लग रहा है फोटो। देख लो कितना वाइटनेस आ रहा है फेस पे भाई, देख लो यार कितना झकास फोटो लग रहा है। उसके बाद पूरा फेस पे एज कर लेते हैं तो हम मैं अपना फेस पे एज कर रहा हूँ तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। उसके बाद मैं अब हल्दी करना होगा कि
क्या लग रहा है यार, देख लो यार कितना सुंदर हो रहा है। जितना ब्लैक काफी था सब हट चुका है यार। उसके बाद देखो अब कितना झक्कास लग रहा है यार। थोड़ा साइड वाला हम इरेज कर रहे हैं, उसके बाद हो गया इरेज साइड का। उसके बाद देख लो, खुद ही देख लो यार फोटो, कुछ चेहरे पे कितना वाइटनेस दिखा दे रहा है यार। उसके बाद हम थोड़ा पैर में कर लेते हैं इरेज। ओ देखो यार क्या लग रहा है यार, कितना झक पैर पे देखो कितना लाइटिंग दिखा रहा है यार। उसके बाद हम थोड़ा हाथ पे कर लेते हैं थोड़ा सा, हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा कर लेते हैं। ओ भाई साहब क्या गजब का ये ट्रिक है यार, तीन तो आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है फोटो हमारा, कितना सुंदर आप दिखाई दे रहा है यार। उसके बाद हम ये तो हो चुका है, उसके बाद फिर से हम आप कर सकते हैं, आप आपका मन थोड़ा सा आप ऊपर नीचे करके देख लीजिए, आपका करना है तो कर लीजिए, मुझे तो नहीं करना भाई। इसीलिए आप फोटो ऐसे ही ठीक लग रहा है तो आप देखो कितना झटका फोटो हो चुका है। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।